उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की खबर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, यूपी ग्राम पंचायत इलेक्शन 2021 को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही कि यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची जारी होने के बाद तारीख का ऐलान, 10 से 23 अप्रैल के बीच मतदान की तैयारी। इसी बीच उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह को लेकर भी ये खबर आ रही, तो चलिए जानते हैं कि ग्राम प्रधान BDC उम्मीदवारों को क्या क्या मिल सकते हैं चुनाव चिन्ह। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को प्लीज अंत तक देखें, और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, यूपी में होने जा रहे पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों, उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं और राजनीतिक दलों के लिए अप्रैल का महीना बहुत अहम रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य के 4 पदों के मतदान के लिए जिस प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी शुरू की है, उसके मुताबिक आने वाली 25-26 मार्च को इन चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद अप्रैल की शुरुआत से ही नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 अप्रैल को पहले चरण का मतदान कराने की तैयारी है। इसके बाद 2 से 3 दिन के अंतराल पर अन्य 3 चरणों का मतदान करवाकर ये प्रक्रिया 23 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। 4 चरणों में होने वाले इस चुनाव के लिए अप्रैल की शुरुआत से आरंभ होने वाली नामांकन प्रक्रिया, 2 दिन नामांकन दाखिले, 2 दिन नामांकन पत्रों की जाँच, 1 दिन नामांकन वापसी, 1 दिन चुनाव चिन्ह आवंटन और नामांकन वापसी के बाद 6 से 7 दिन चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित होंगे। इस हिसाब से एक चरण के चुनाव में नामांकन दाखिले से लेकर मतदान तक के 12 से 13 दिन का समय लगेगा। प्रदेश के 75 जिलों में होने वाले इस चुनाव में प्रत्येक चरण में 18 से 19 जिलों में एक बार में मतदान करवाया जाएगा। इन चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 5.40 लाख मतपेटियों, कुल 52.5 करोड़ मतपत्रों की व्यवस्था की है। आयोग की वोटर लिस्ट में करीब 12.5 करोड़ ग्रामीण मतदाता है। चलिए अब जानते हैं कि इस बार ग्राम प्रधान और BDC उम्मीदवारों को क्या क्या मिल सकते हैं चुनाव चिन्ह। तो आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1994 में जारी एक अधिसूचना के जरिए ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की संख्या निर्धारित की गई है। सबसे कम 18 चुनाव चिन्ह ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए तय है। इनमें आम, ओखली, अंगूर, केला, गुलाब का फूल, घड़ा, डमरू, तंबू, पेंसिल, फरसा, बंदूक, बैडमिंटन का बल्ला, नल, ब्रश, ब्लैक बोर्ड, रिक्शा, संघ और सुराही शामिल हैं। यही नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग के अफसर भी ये मानकर तैयारी कर रहे हैं कि इस बार मतदान में प्रत्येक वोटर को वोट डालने में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लगेगा, और इस वजह से मतदान शाम 5 बजे के निर्धारित समय से बाद भी चल सकता है। आपको बता दें, नियम ये है कि मतदान की अवधि खत्म होने तक मतदान केंद्र परिसर में जितने भी लोग लाइन में लगे होंगे, उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा, चाहे जितना भी समय लगे। वीडियो के आखिर में आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट जिला पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने तैयार कर लिया है। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, BDC का आरक्षण तय कर दिया गया है। ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण का काम कुछ बचा है, जो निर्धारित समय से पहले कर लिया जाएगा। अफसरों ने जो आरक्षण तैयार किया है, उसका जियो के मुताबिक मिलान किया जा रहा है। जिला स्तरीय समिति की मोहर के बाद आरक्षण की फाइनल लिस्ट DM को भेजी जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब